करना, कुछ गल्लां सांझियां करनियां है, उहदे विच बहुत जरूरी है जे तुसीं बोलो तो बहुत वधिया गल है। ऐसी कोई गल ना समझ नहीं कि तुसीं सवाल पुट अप करोगे तो बैटर है, कोई गल डाउट रह गई तो पुछ लेना। एक दिन च समझाउण नाल तुसीं शायद कोई गल ऐसी पुछो, मैं शायद वह ना दस रहा हां, मैं जो तुहानू तरीका दसना उहदे विच तुहाडा कोई डाउट रहिंदा तो पुछ लेना, तां ही वह गल क्लीयर होएगी पूरी। तो जे गल कन्फर्म हो जाए तो फिर कोई गल नहीं। सो जिवें आपां सानू सोझी पई जां कह लो वाहिगुरू की कृपा हो गई तो असीं वाहिगुरू के अमृतधारी सिंह बन गए। गुरु साहब ने होर मेहर की कि आके संगत च आया कर, सानू गल समझ आ गई। असी 24 घंटिया 'चों 2.5 घंटे वाहिगुरू के पक्के तौर पर कढ़न लग पे तो वाहिगुरू की गोद में आने लग पे। गुरु साहब ने कहा रहत परपक रही, असी रहत परपक रहन लग पे, कोई कुरैत ना करी। वाहिगुरु ने बड़ी बख्शिश की कोई कुरैत नहीं कराई। गुरु साहब ने कहा बाणी प्यार नाल विचारी, 40 दिन से जपजी साहब पढ़ने वो भलाई, तो 40 साल गल समझ ना आई तो वह जपजी साहब पढ़े का फायदा नहीं होना। तो असी वो 40 दिन जपजी साहब पढ़ लिया, 40 दिन जाप साहब पढ़ लिया, 10 दिन सवैये कर लै, 25 दिन चुपई कर ली, 40 दिन ला गए आनंद साहब पढ़ लिया, साल लग गया जी। साल में असी नितनेम सोधर सोहिला पढ़ लिया, पर गल समझ आई कि गल कुछ अगली है पिछली नहीं, समझ आ गई। हौली हौली सानू गल समझ आई ये ज्ञान है, गुरबाणी ज्ञान है। तो ज्ञान ध्यान बारे गल कर रहा, तुसी मेरे ना कहते खुले टाइम बैठ के विचार करो, मैं आप शब्द शुरू करिए तो तुसी हैरान हो जाओगे कि सारी बाणी सिमरन करनू कह रही है। मैं कई बार समझाने की कोशिश करदा पाठ नितने में, बोलो कोई लाइन, पर ये हथ पैर तंदे, ये रब की गल आई कोई, पानी धोते उसत के को रब की गल आई, मूत पलीते कपड़ होए को रब की गल आई, दे साबून लइए धोए को रब की गल आई, पर ये मत पापा के संग को रब की गल आई, ओ धोपे नावे के रंग, नाम जपेगा तो धुप जान गए। वह पहली पंज लाइना की करिए, उदा घोटा लाई जाइए। मेरे कहने तो भाव गल समझ की कोशिश करो, जिन्ना मैं गुरबाणी को प्यार करदा है जां समझ की कोशिश करदा, मैं तो अरदास करदा वाहिगुरु जिदा मैनू सिखा रहे कि सारी सिख कौम नू मैनू समझ। मैं अजकल पिंड नहीं जाता, पिंडा में प्रचार नहीं करता, पेंडू बंदे कहते भाई कहता सिखड़ा आया सी कहता बाणी नहीं पढ़नी। लो मैं सारी दिहाड़ी 8 घंटे रोज बाणी पढ़ता, मतलब वो गल नू पिकअप नहीं कर सके। मैं कहता ना वो 40 दिन जपजी साहब करना, तो उन्होंने कहता ला भाई कहता 40 दिन जपजी साहब करना, नहीं समझ आई। तो मैं अजकल पिंड जाना बंद किया हो, शहरी की करता गल तो समझदा क्योंकि पढ़िया लिखिया पर अमल नहीं करता, पेंडू गल नहीं समझता पर अमल करने तैयार है। तू तो अमृत छक लै, ठीक है जी छक लें, वाहिगुरू वाहिगुरू कर, ठीक है जी कर दें जी, सवेरे उठिया कर, ठीक है जी, उन्हें सब यसी करी जानी है तो गल समझना नहीं। शहरी ने गल समझना पर आखे नहीं लगना, ना गुरु साहब दे ना मेरे पक्ष कोई। वह कहता मेरा रूटीन जो बनया मैं उत्थे ही रहना, बस मैं ना तेरे आखे लगता ना गुरु साहब के आखे लगता, कहें तो गुरुद्वारे आना बंद कर देना बस, वादू शहरी यह बोलूगा, शहरी आखे नहीं लगता। पर गल है भी जब गल कोई समझदा ही नहीं तो हौली हौली चलो वाहगुरु को मेहर करूंगा करेगा, वाहगुरु मेहर करेगा, जाना कितने है ऐतकी ना मेहर करेगा तो अगली हरी कर लेगा, करेगा वाहगुरु मेहर करेगा। तो हुण ये ज्ञान ने सानू ध्यान की गल की, ध्यान ने सानू सिमरन की गल की, सिमरन ने सानू संगत की गल की। जो बख्शिश मैं संगत च करांगा उन्नी बख्शिश कितने नहीं होनी। तो संगत च असी सिमरन करना शुरू करता, जिवें भी मतलब वाहिगुरु की बख्शिश होई। तो सिमरन ने बाणी की व्याख्या ने तो सिमरन ने वो खेड ऐसी वरती, मैं तुहानू हौली हौली दसी जाना, कईयां ते वरतनी है कईयां ते वरत रही है, कई गुरमुख प्यारे दसन ही संकोच करते हैं, उन्होंने सारी गल अपने आप समझ आ जानी है। तो जिवें जिवें आप सिमरन करांगे साडी पहली खेड वाहिगुरु ते 100% विश्वास आ जाएगा।
कि इहदे बगैर पत्ता भी नहीं हिल रहा, इहदे नाल गल सीधी डायरैक्ट हो जाएगी। जो गल करनी वाहगुरु नाल, जो गल करनी गुरु साहब नाल, पहला पॉइंट है। दूसरा, अंदर रस आता जाएगा, स्वाद जहा आता जाएगा। और जो सिमरन 2.5 घंटे है ना, वह 2.5-3 घंटे हो जाएगा। अंदर जिमें रस वधेगा, तुहानू तो लगेगा कि मेरे तो हुण अंदर ही सिमरन हो रहा है। जिमें अंदर सिमरन होएगा, यह 3 घंटे तो 4 घंटे तक आ जाएगा। तुहानू तो अंदरों ही तुसीं बहना ही बस वाहेगुरु, दो बारी कहना वाहेगुरु। ये बाहरली वाहेगुरु की आवाज ने अंदर कैद कर लेना वाहेगुरु। तुहानू अंदरों ही आवाज आ रही वाहेगुरु जी। ये सिमरन 4 घंटे ऑटोमैटिक वध जाएगा, रस वधे, बड़ा आनंद आएगा। तुहाडा दुनिया नालों कॉन्टैक्ट टुटता जाएगा, तुहानू दुनिया चंगी नहीं लगनी। उस परिवार विच रहिंदिया होया असी अपनी ड्यूटी निभाउंदिया होया वाहिगुरू वल समा वधदा जाएगा, 4 घंटे 5 घंटे हो जाएगा। इस सिमरन ने ऐसा धोना धोना है, ऐसा धोना धोना है कि जिवें विछड़िया पति बड़ी दूर गया, अजे आया नहीं, तो पत्नी उन्हें याद करती है, तो याद करद्या करद्या उन्हें विराग आ जाता है। तू अंदर एक खेड ऐसी वरतती है, वाहिगुरु तू मेरे तो विछड़िया ही हुए, मैं तेरे तो कितनी दूर हाँ। है दूर वाली कोई गल नहीं हैगी, अंदर पर लगता है कि तू बड़ी कद सत्तां आकाशों तो पार है, तो मेरा तेरा मेल नहीं हो रहा। उसकी याददाश्त वधी जाती है, हुंदा वैसे नेड़े ही है, वो याददाश्त वधी जाती विराग छ गल करो, अखां च पाणी बाणी पढ़ो, अखां च पाणी सिमरन करो, अखां च पाणी कीर्तन सुनो, अखां च पाणी गल की वे हो गला भरिया रहिंदा है। हर वेले वाहगुरु की गल सुनन करन दिल करता है कि मैनू वाहगुरु की गल सुनाई जाए। वो अंदर रस वधा जांदा है, विराग आ जांदा है। जिवें जिवें विराग आउंदा है दुनिया का मोह घटदा जांदा है, जिवें जिवें विराग आउंदा है परिवार का, माया का, दुनिया का समा 4-5, 5-6 घंटे हो जाना। हुण विराग तो बाद दो गल्लां हुंदियां, जां तां अमृत रस आ जाएगा तो जां प्रकाश हो जाएगा, तो दोवें कठियां भी हो सकदियां। अंदर एक पहला चानण, छोटा जिहा चानण जिवें बल्ब दा दीवे दा लो जी, वह चानण जिहा नजर आएगा, प्रकाश नजर आया, सानू उहदी एड्डी सोझी नहीं हुंदी। पर जिवें जिवें बाणी पढ़ी जावांगे वह सानू मने भया प्रगासा की गल समझ आ जाएगी, प्रकाश समझ आया। तो जिवें प्रकाश होना है साढ़े शरीर का मोह टुट जाना है, बीमारी चिंता फिक्र दुख तकलीफ कोई रहनी नहीं। क्यों? वो तुसी हुण शरीर तो ही उतार निकल गया, तो यह सारा ये हस्पताल कौन जाता है, शरीर तुसी शरीर तो ही उतार निकल गए, तुसी प्रकाश हो गया। हुण कोई शरीर नूं तकलीफ नहीं रहनी। मेरे राम हर जाना रोग भए, उत्थे हुण गुरु साहिब ने कहा मेरे जिहड़े दास ने ना सेवक उह बीमार ही नहीं हुंदे। गुरबचन जी जपे मेरा हर हर तिनके होमे रोगे, होमे एक सारी बीमारी चिंता फिक्र ते गंदगी दा घर जिहड़े जड़ है ना वह होमे है। उन्होंने शरीर ही छड़ दिता, होमे ही छड़ दिते, तो उन्होंने तकलीफ कितों आ जानी है। हुण उन्होंने शरीरक रोग कोई नहीं हो सकता, वह बिल्कुल अरोग हो गए, वह शरीर तो ही उतां उठ गए, उन्होंने जिहड़ी जड़ सी ना होमे वह खत्म हो गई। तो दुखां दा घर जिहड़ी है होमे माया, सुखां दा घर जिवें सिमरन है, सुखां दा घर वह सिमरन हुण आ गया है, तो दुखां दा घर जिहड़ी माया ते होमे विचों निकल गई। दुख आउणा कित्थों आ, देखो ना कोई सोमा तो हुंदा ही है ना, कोई चीज कित्थों दुख कित्थों आ रहा है, वो तुहाडे अंदर एक होमे बैठी माया जड़ बन के बैठी है तो निकल गई, तो दुख कित्थों। तो सुखां दा घर सिमरन अंदर जा वड़िया, तो हुण सुख ही सुख है रे, उपाशा ने उहदे भी व्याख्या कीती, प्रकाश होया, अमृत रस आना शुरू हो जाएगा। वो अमृत रस दसम द्वार तो डिगदा है, अपने जिन्हों कां कहने उत्थों डिगदा, बूंद गाढ़ी बूंद जुबान ते डिगदा है, ते वो अंदर ऐसा एक अनहा चल रहा है, एक अमृत रस आ रहा है, एक सुरती हुण शरीर की शुद्ध बुद्ध भुली हुई है, सामने प्रकाश हो रहा है, तुसीं बैठे हो, उहदा आनंद ही कुछ होर। अंदर अमृत रस आ रहा है, सिमरन चल ही जांदा है, तुसीं शरीर की शुद्ध बुद्ध भुली बैठे हो,
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 7 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ 2 ਤੋਂ 6 ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠ ਗਏ, ਚੱਲ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਪਤੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਜਾਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ 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 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਕਲਾਮ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਹੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੀਟਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸਰੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪਰ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਰ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਵਨ। ਅਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ 10-12 ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 84 ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ, 30-32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ 30-40 ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 2-4-10 ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ 10 ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਘੋਣ ਮੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਘੋਣ ਮੋਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਘੋਣ ਮੋਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਨਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕਦੇ ਡਰਾਮੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਮਲੰਗ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਨਾ ਘਵਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਚੱਕੀ 'ਚ ਨਾ ਦਾਣੇ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਆਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਠੱਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੱਗੀ ਤੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਜੰਮਦਾ, ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੂਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਐਵਰੇਜ। ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ 10 ਸਾਲ ਲਾਈਏ, 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ। 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਬਸ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆ।
चलो एवरेज आप 80 ला लें, 90 ला लें, 100 ही ला लें, मुकाबला 8,40,00,000 सुना जे अमृत ना छकिया था। हूँ आप अगला एक सवाल जरूर करते हैं, सारी सृष्टि नरकां में जाऊगी? हाँ जी, तुम मैंने दिखा दियो कोई बंदा सचखंड जाता तो तर गया हो, केसों तो बगैर सचखंड नाल कनैक्शन ही नहीं जुड़ता, किसी का जुड़े है मैनू जरूर दिखाना। देखो खोजी बंदा ना वो लभदा रहिंदा कोई ना कोई, मैनू जरूर दिखाना ताकि मैं पता लगे भी ये केस नहीं सन तो कनैक्शन सचखंड नाल जुड़ गया। हूँ इतने गुरु साहब ने यह गल की, पातशाह भगत ते गुरु विच बड़ा फर्क हुंदा है, वह मैं तुहानू क्लीयर कर दिया। यह शब्द भगत जी का, भगत कबीर जी, तो गुरु विच ते भगत विच बहुत फर्क है। जो भगत है वह तुसी हो सकते हो, जब तुसी भगती की तुहाडी सुरती लग गई, सुरती सचखंड तक पहुँच गई, वाहगुरु नाल एकमिक हो गई, जोत ना जोत मिल गई, तुसी भगत बन गए, बंदे तो भगत बन गए। भगती करदिआं करदिआं बंदे दा पहुँच, बंदे की जोत वाहगुरु की जोत में हो जानी, उन्होंने गुरसा कहते भगत। जोड़ा गुरु है ना वो वाहगुरु हों, बंदा नहीं हों, भूतक नहीं हों, वो वाहगुरु हों। पातशाह ने मैं कल तुम कथा की, गुरु निरंकार, गुरु अगम, गुरु अगोचर, गुरु निर्मला, गुरु जीवड़ी अवरना कोई, गुरु पारजात, गुरु तीरथ, वह मैं तुम्हें सारी गल समझाती। गुरु पांच भूतक नहीं होंदा, गुरु दरगे का बसीठ, गुरु आन जान के चक्कर च नहीं पैंदा, गुरु सदीवी है जिमें वाहगुरु है। गुरु तो सिर्फ बंदे नूं समझाउण लई बंदा बन के आया, अदरवाइज वो बंदा नहीं। ना हुण वी गुरु का शरीर है, बोलता है, पर वो पांच भूतक नहीं। जदों रब सी गुरु नानक सी, जदों रब रहना गुरु नानक ने रहना, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश रहना, श्री गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते कोई चीज नहीं सानू समझ आई, साडे मन दे भाग आ। तुहाडे चेहरे तो, तुहाडे बाणे तो, तुहाडे लिबास तो, तुहाडियां गल्लां तो खेड बाणी जाणी। मैं बड़ा कौड़ा बोलदा सी पहलां, हुण भी कौड़ा कई बार बोलदा। मैं गुरु साहब जी जदों हजूरी च बहिंदा ना, जो कोई गल्लां करदा ना तो मैं आ ही जाता, मैं कई बार बड़ा ठामा रखदा, हौसला रखा इन्हों को, समझ तो आनी नहीं सिखा, फिर भी मैं गर्म हो जाता भी तुम गुरु साहब का सत्कार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें घर जाके रोकदा गल्लां ना करो, मैं तुम्हें घर जाके कभी रोकया टीवी ना देखो, और तुम इतने आगे भी गल्लां करते रहने हो, तो फिर मेरा मन घबराहट च पै जाता है। वैसे गुरु साहब की मेहर है, मैं बाहर लाइफ गुस्सा घट आ नहीं आता, कोई काम क्रोध वाली गल नहीं, वाहगुरु की खेड है चैल, इतने मैं गुरु साहब जी ताबिया च बैठे आ मैं आप महसूस करता, मैं आता है। बस मैं गुरु साहब का सत्कार चाहना, मैं चाहना तुम अमृतधारी हो जाओ, मैं चाहना तुम कुछ ना करो, जिन्हों के मन च लगने वो तो करे, मैं कहना तुम कुछ ना करो, एक बारी अमृत अंदर जान दो, बाबे नानक सिर ते हाथ रख दो, समृत गुरु सिर हाथ रहो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। बाबे नानक का हथ लग्या, वाहगुरु का हथ लग्या, वाहगुरु ने तुहानू अपना पुत्र कह दिता, सृष्टि विच किसी की ताकत नहीं तुहाडे वल देख जाए, तुहानू दुनिया च किसी कोल पावर नहीं तो धर्मराज तुहानू अपनी कचहरी च लै जाए, किसी कोल शक्ति नहीं तो तुहानू जूना च पा देवे, नरका च पा देवे, जन्म च पा देवे, पावर ही नहीं। मैं कहना ना सवेरे उठो, ना रब का नाम लियो, ना संगत आयो, ना दान करो, ना संगत का प्यार करो, कोई सेवा भी ना करो, दसवंध भी ना कढ़ो, अमृत छक लो तो कड़ैत ना करो। वाहगुरु ने शर्म आ जानी है, उन्हें तुहाडे कोल आपे करा लैणा, उन्हें अपने पुत्र की लाज आ जानी, सानू पिता का नहीं फिक्र होना, पुत्र की लाज आ जानी कि मैं ही कुछ करा, इन्हें तो कुछ करना नहीं। हुण गुरु साहब की कहिंदे, सहज की अकल, इन सहज कहने, सहज हुंदा सुभा का बदल जाना, गुरु नानक वर्गा वाहगुरु वर्गा सुभा हो जाना, तो सहज की अकथ कथा है तो कथन वाली गल कोई नहीं है, न्यारी कोई छोटी मोटी गल नहीं, गल तुसीं समझो कि मैं तुहानूं दस्सती और मुक गई, ये तो शुरू भी नहीं हुई, बहुत लंबी खेड है, बहुत लंबी खेड है। ये तो मैं सिर्फ एक दसन का राह ढंग दसिया जो गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दसिया इदा पहुंचना, तो वो जी कथ कथा बाकी कहो भी एक मैं राह ही दसता कि इदा पहुंचना, तो गल खत्म हो गई, गल तो शुरू भी नहीं हुई।
सहज की अकथ कथा है न्यारी, वाहगुरु तक पहुंचण दियां गल्लां अकथ ने, कथियां नहीं जा सकदियां, है पर कथा है बड़ी निराली। इहदियां गल्लां बड़ियां न्यारियां, तुल नहीं चढ़दा, तुली नहीं जा सकती, कोई तकड़ लै आओ ते आपां तोल दईए। जाए ना मुकाती, मुक्कण वाली नहीं, तुलदी नहीं, मुक्कण वाली नहीं, हल्की लगे ना भारी। मैं केड़ी चीज दे मुकाबले तुहानू कहां कि उहदे नालों हल्की है ते उहदे नालों भारी है। मैं इहो गल गुरु साहब ने कहा, गूंगे गुड़ खाए वाली गल भी तुहानू समझा दें। हुण गूंगा ते गुड़ खा गया, तो गूंगे दी तां एग्जाम्पल दित्ती है। जदों अमृत रस आउंदा ना वीर जी, तुसीं, मैं कहना, मैं तुहानू पुछदा, तुहानू अमृत रस आउंदा? हाँ जी आउंदा। मैं कहना की रस आउंदा? मैं इतने दुनिया में की खादा उदा रस? मैं सारा दिन की एक बड़ी प्यारी काजू की बर्फी थी, मैं खाधी जी, उदो 100 रुपए किलो थी, अच्छा 400 रुपए किलो। मैं तेन कहा जी, वो काजू की बर्फी वर्गा स्वाद सी, शहद वर्गा स्वाद सी, नहीं शरबत वर्गा स्वाद सी, दुनिया के कोई स्वाद जरा मैक्सीमम तो वधिया स्वाद है ना, उदा करोड़ों गुणा ज्यादा स्वाद अमृत रस का है। मैं कि मुकाबले तुम दसा, इसलिए गूंगे का गुड़ की गल की। गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं दस सकता, वह कारण यह नहीं, स्वाद ही दुनिया से नहीं। तुम कि मुकाबले दसा कि अमृत रस का स्वाद यहोजा? कुछ मठियाई का ही ना लाऊंगा, मठियाई ना तो करोड़ों गुणा उच्चा हो। या कोई ऐसी चीज तुम दस दौ बी योजी चीज का ना लै दौ, इसलिए वह जोड़ा रस है वह दसिया नहीं जा सकता, क्योंकि वह वर्गा स्वाद ही है नहीं दुनिया से। स्वाद ही हो रहा है, रब का स्वाद आ। उन्होंने की गल बे, ना तो मिश्री वर्गा, ना वो खंड वर्गा, ना वो दुध वर्गा, ना वो शहद वर्गा, सब नालों मिठा है। गल ही खत्म करती, सारिया मिठा चीजा का ना लैके कहता कि सारे नालों मिठा रस है रब का। तो सहज की अकथ कथा बड़ी निराली है, तुल नहीं चढ़ा, जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। मैं कि मुकाबले दसा, ये हल्की तो ये भारी है, दसन वाली गल नहीं।